नीतीश के तबेले में बीमारी का इलाज, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था मानो भरभराकर गिर चुकी है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जैसे आप इस अस्पताल का हाल देख रहे हैं, कमोबेश यही हालत आज बिहार के अस्पतालों की है। मुजफ्फरपुर में अभी अभी चमकी बुखार से सैकड़ों मासूमों की मौत हुई है, लेकिन सरकार है कि सबक लेने का नाम ही नहीं ले रही। औरों की तो छोड़िए, अस्पतालों का सबसे ज्यादा बुरा हाल उस जिले का है जहां से खुद सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताल्लुक रखते हैं। नालंदा के अस्पतालों की हालत ऐसी है कि वहां हेल्थ सेंटर की जगह तबेले चल रहे हैं। देखिए News24 की यह स्पेशल रिपोर्ट। News24 आपको लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल दिखा रहा है। हम स्वास्थ्य मंत्री के इलाके में भी गए थे, वहाँ की भी समस्या आपको दिखाई, लेकिन आज जहाँ हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और जिला मुख्यालय बिहार शरीफ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव है और यहाँ पर हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं। अब कहने को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन यह गाँव यह तबेला ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए क्या हाल है यह स्वास्थ्य सेवाओं का। यहाँ पर फिलहाल ये अस्पताल की बिल्डिंग है, ये अस्पताल है यहाँ पे। कौन गांव है आपका? डुमरा। बिहार शरीफ से कितना दूर है? 5 किलोमीटर। बिहार शरीफ से जो जिला मुख्यालय है वहाँ से 5 किलोमीटर बता रहे हैं यहाँ पे है, और ये डुमरामा गांव है और यहाँ का ये अस्पताल का भवन है। आप देखिए कि अगर आपको तस्वीरों में देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह अस्पताल है या फिर यह तबेला है। यह मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का गृह जिला है और वहाँ के हालात आपको हम दिखा रहे हैं। अंदर आपको देख चलते हैं कि पूरी तरीके से अंदर में गायब के भूसा रखा हुआ, कमरे बने हुए हैं और यहाँ पे आपका कंडे लिखे हुए, कुछ रूम है जो ताले बंद है यहाँ पे। ये यहाँ का हाल है, ये अस्पताल का भवन है और अस्पताल भवन के अंदर का हाल आप देख सकते हैं। हम जब यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ पर गांव वाले भी आए हैं, गांव वाले भी यहाँ जो समस्या है वो बता रहे हैं। आप देख लीजिए क्या स्थिति है, हर कमरे में वही हाल है। ये तो आप गांव वालों का ही होगा ना यहाँ पे, तो आप लोग इसको बोलते नहीं है कि यहाँ पे अस्पताल है, अस्पताल का बिल्डिंग है और यहाँ पे कैसे का तबेला का है बना दिया गया है। बिना प्रशासन से आगे गेट लग जाएगा। तो आप लोगों को दिक्कत भी तो होता है, बीमारी में दिक्कत बहुत दिक्कत बहुत है। हम लोग को ड्राइवरी पेशेंट होता है, चाहे डायरिया वगैरह होता है, तो हम लोग के 5 किलोमीटर जाए पड़ता है, रात में गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है यहाँ से जाने में। अपने डीएम चाहे सिविल सर्जन पूरे सर्वन विधायक आए, कौशलेंद्र कुमार सब भी आए, देख दाख के सब चला गया, ऐसे यहाँ कोई सुविधा नहीं। आरपी सिंह भी आया, डॉक्टर नहीं आता, पोस्टिंग पोस्टेड है यहाँ, डॉक्टर पोस्टिंग है कि नहीं? 8 बेड यहाँ है, मगर 1 बेड ये 8 बेड का ये अस्पताल है और यहाँ पर ये एसी सेंटर और यहाँ पर स्थिति क्या है आप साफ तौर पर देखिए कि कहीं से यह देखने में नहीं लग रहा है कि अस्पताल की बिल्डिंग बनी हुई थी। गेट यहाँ लगा हुआ है, उसके बावजूद ये यहाँ पे ये हाल है। कितना दिन पहले बिल्डिंग बना है? ये 5 साल पहले 5-6 साल बना था।
जी। तो कभी यहाँ डॉक्टर आया ही नहीं? आते हैं डॉक्टर, आते हैं, नर्स लोग आती है, अपना हाजिरी बना के चले जाते हैं। जो भी दवाई यहाँ आता है, मतलब सदर हॉस्पिटल से यहाँ दवाई आता है, मतलब टाइम है 10 बजे आवेगा, 4 बजे दवाई खोलेगा, चाचा भी खोलेगा दवाई झोला में लेके हाजिरी बना के चले। सबके हाजिरी बनाते हैं क्यों? एक सब पूरे नर्स के यहाँ आता है कि कुछ बिल्डिंग में आता है, वो बिल्डिंग में रहता है, एक ही परिसर फिलहाल। ये जो है अस्पताल का, एक आप देखिए, उद्घाटन हुआ, ये बिल्डिंग बना हो तब से, ये तबीला में तबीलों के वो पुरानी जो बिल्डिंग है वहाँ आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ का ये हाल है। और ये देखिए गाय का पूरा जो कैंपस है वो पूरा तबीला में बना हुआ है, गाय भैंस यहाँ बांधी हुई है, और ये नजारा है, यहाँ पे खटाल बन चुका है। ये तस्वीर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले का, जहाँ की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि क्या यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। इस अस्पताल के लिए 4 ANM और यहाँ डॉक्टरों की भी तैनाती है, लेकिन डॉक्टर आते हैं इस कमरे में बैठते हैं, और जैसा कि गांव वाले बता रहे हैं कि इस महीने में एक दिन आते हैं और महीने की ड्यूटी चले जाते हैं, आते हैं हाजिरी बनाते हैं। अभी देखिए दिन के यहाँ पे 12 बज रहे हैं और यहाँ पे जो स्थिति है यहाँ पे देख रहे हैं कोई नहीं है, डॉक्टर नहीं है ना यहाँ के सर्जन, जो नहीं आती है एक महीना में हाजिरी बना। कुछ महिलाएं हमसे, आप लोग कितना अस्पताल नहीं होने से कितना दिक्कत होता है, अस्पताल नहीं होने से कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत हुआ है, गरीबाल बुजुर्ग सब चीज के दिक्कत है, ऐसे नहीं बना रहा हो तो यो दिक्कत है, सब कोई के अथी हो रहा है, बढ़िया से बना दे तो कोई नहीं अकरा में आते। बीमारियों वाला के डिलीवरी रहा है तो ऐसे सदर हॉस्पिटल है तो बिहार नहीं जाए पड़ते, हमने सबके यही डिलीवरी होते हैं, बाल बच्चा के सर्दी गर्मी सब चीज के यहाँ व्यवस्था है, ठीक है दिन में डेरिया हो जा है तो सबके दवा बीरो लावे लगी जाए पड़ा है सदर हॉस्पिटल बिहार, अच्छा की ही है सदर हॉस्पिटल। क्या हाल है यहाँ पर? जब यहाँ News24 की टीम आई पहुँची है तो यहाँ पूरे गांव वाले यहाँ जुट गए हैं, और इनका साफ तौर पर सभी की एक ही शिकायत है कि तमाम शिकायतों के बावजूद, DM को किया, सांसद को, विधायक को, तमाम लोगों से शिकायत करने के बावजूद भी इस इलाके, इस हॉस्पिटल की दशा नहीं बदली है। 5 साल पहले बिल्डिंग बनी थी और उसका यह हाल आप देख रहे हैं, और यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि छोटी छोटी बीमारियों में भी इन्हें सदर अस्पताल यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन ये जो अस्पताल है यहाँ का ताला नहीं खुलता है, शायद ही कभी कोई ANM आती है जो पूरे सभी के जो ड्यूटी है वो ड्यूटी बना के चली जाती है, लेकिन ना इन्हें दवाई मिलता है और ना यहाँ इन्हें इलाज मिलता है। गांव के लोग बताते हैं कि पिछले 7-8 वर्षों में ये अस्पताल का यह हाल हुआ है, जबकि आसपास के करीब 8-10 गांवों के लोग प्राथमिक उपचार के लिए इस अस्पताल परिसर में आते थे, यहाँ इलाज कराने आते हैं, लेकिन इस अस्पताल की बदहाली के बाद उन्हें अब सीधे सदर अस्पताल जाना पड़ता है। हम बात करते हैं कि शुरू से ये स्थिति थी कि पहले ठीक था? नहीं सर, 10 साल पहले ठीक था, पहले ठीक था जी, डॉक्टर साहब आते थे, इलाज होता था, बहुत अच्छा होता था। अच्छा बताइए कि आप ये इलाका जो है वो श्रवण कुमार अभी ग्रामीण मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, श्रवण कुमार के संसदीय लोक विधानसभा क्षेत्र में आता है, सांसद आपके कौशलेंद्र कुमार, सांसद विधायक कोई काम नहीं कर रहा जी? नहीं, यहाँ पर आके भाषण भी दिए है इलेक्शन के पहले सर कौशलेंद्र कुमार, अब बोला जी आपके जी सर, उनको बोला गया था कि अस्पताल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, ऐसा बोला गया था, फिर कोई श्रवण विधायक कैमरा यहाँ यहाँ पर देखा, यहाँ चारों पट्टी हल के देखा। बिल्कुल, इस इलाके के जो विधायक हैं वो बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, और कौशलेंद्र कुमार लगातार 3री बार यहाँ से सांसद बने हैं, और RCP सिंह जो RJD के महासचिव हैं, राज्यसभा सदस्य, वो भी यहाँ इस गांव में आए थे, इस अस्पताल के दूसरे इस अस्पताल की जो दुर्दशा थी उन्होंने देखे थे, लेकिन अभी तक इस अस्पताल का दिन नहीं निकला है। और आप देख सकते हैं कि लगातार गाँव वालों का कहना है कि जिस तरीके से अस्पताल की दुर्दशा जो हुई है, आसपास के गाँव वालों को भी परेशानी होती है, छोटी सी इलाज में उन्हें सदर अस्पताल जाना पड़ता है, लेकिन अभी इंतजार इस बात का है कि कभी किसी की नज़र जाए और इस अस्पताल की दुर्दशा जो है वो कम से कम बदले। इस
वक्त हम नालंदा जिला के नानंद गांव में हैं। यह गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली हुई गांव है। नालंदा के सांसद जो जेडीयू के हैं कौशलेंद्र कुमार ने इस गांव को गोद लिया था। इस गांव के इस अस्पताल के पास हैं जो स्वास्थ्य उपकेंद्र है नानंद, सिर्फ दीवारों पर लिखी इबारतें ही बता रही हैं कि यह हॉस्पिटल है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो ना यहाँ का ताला खुलता है। अभी दिन के 1 बज रहे हैं, इस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ अस्पताल में ताला बंद है। कई कमरे हैं यहाँ, देखिए आप, अंदर में एक बेड लगा हुआ है। इसके अलावा फिर हम दूसरे कमरों में बात करें तो करीब 5 कमरे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि क्या तस्वीरें हैं, गेट बंद है, ताला लगा हुआ है। बगल का जो ताला लगा हुआ है ये तो लगता है कभी किसी दिन खुला ही नहीं है, ये ताला में जंग लगे हुए ताले हैं। इसके अलावा जो डिस्पेंसरी है जो इस अस्पताल का है, करीब 6 बेड का ये अस्पताल है। और इस ताले को आप देख लीजिए, इसको देखने से ही लगता है कि वर्षों हो गए हैं इस ताले को खुले हुए। यह हाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के अस्पतालों का। इससे पहले भी आपको अस्पताल दिखा और यहाँ के नानंद गांव का देखिए, जबकि नानंद बिहार सहित नालंदा जिला का सबसे बड़ी आबादी वाली गाँव है और यहाँ से सबसे ज़्यादा वोटर्स इसी गाँव में हैं। इस गांव को यहां के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने गोद लिया था, लेकिन उसके बावजूद गांव के अस्पताल का आप हाल देखिए, क्या हाल है यहां पर। तब तो थोड़ा लगता पूरा बंदे रहता है ना यार, भाई कहना भाई कहना जाए हमने का कुछ मिला है। डॉक्टर साहब आते हैं कभी, दवा बेरों से मिलता है कुछ हमने का कुछ नहीं। गाँव में बीमार पड़ता है कहाँ जाता है वो हॉस्पिटल जाए, यहाँ नहीं खुलता है कभी। खोला के अभी जारी मैंने खोला यार, मैंने खाली हाजिरी बना ला। हाँ हाजिरी बन बेला, दवा मिला जब बेच दे ब्लैक कर दे। अच्छा सर, ब्लैक कर दे दवाई वो सर। डॉक्टर साहब आते हैं खाली की नर्सें आती है ना, खाली नर्स डॉक्टर साहब नहीं आते। यहाँ तक कि गांव वाले से रुख भी नहीं करते हैं क्योंकि कभी इसका ताला खुलता ही नहीं है। कभी कभार महीने में एक बार यहाँ डॉक्टर आते हैं, साइन करते हैं रजिस्टर में और उसके बाद यहाँ से वो चले जाते हैं। ये तस्वीर बिहार के मुख्यमंत्री को जो हैरान करने वाली है, आम लोगों को हैरान करने वाली है कि जब मुख्यमंत्री के गृह जिला के अस्पतालों का यह हाल है तो बाकी बिहार का क्या सूरत हाल होगा। जिले के सबसे बड़े अस्पताल यानी कि सदर अस्पताल में इस वार्ड में मुझे नालंदा जिले में भी चमकी बुखार का असर साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ भी एक बच्चे की मौत हो चुकी है सरकारी अस्पताल में, जबकि 2 बच्चों की मौत निजी अस्पतालों में हुई है। फिलहाल यहाँ स्पेशल ये ICU बनाया गया है चमकी बुखार को देखते हुए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आपके वो तस्वीरें यह जानकर हैरानी होगी कि वार्ड तो बना दिया गया है, ICU वार्ड बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की कोई डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं है। जैसा कि कई अभी जो यहाँ अटेंडेंट हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब पेशेंट को लेकर यहाँ आते हैं सीधे तौर पर इन्हें यहाँ से या तो नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या फिर सीधे PMCS रेफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे देखने वाले डॉक्टर यहाँ पे नहीं है क्योंकि डॉक्टरों की यहाँ पोस्टिंग नहीं की गई है। फिलहाल यहाँ भी अभी भी कई बच्चे जो यहाँ पे एडमिट है वो यहाँ पे हैं, जो जिनका यहाँ इलाज चल रहा है, क्योंकि अभी भी दर्जन भर से ज़्यादा बच्चे हैं जो चमकी बुखार के शिकार हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें कि जिस तरीके से कितने बच्चे अभी एडमिट हैं यहाँ पर, 3 बच्चे। अच्छा, यहाँ कौन इंचार्ज है डॉक्टर साहब जो हैं? अभी कोई डॉक्टर की तैनाती नहीं है यहाँ। तो क्या मैंने इसके इंचार्ज हैं या फिर जनरल हैं वो? जनरल, उनको 3 जगह ड्यूटी रहता है, OPD भी रहता है, यहाँ भी रहता है और इसके अलावा फिर वहाँ ये एजेंसी भी रहता है। आपने सुना ये कि सिस्टर का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ भी कोई एक डॉक्टर है जिनके जी में 3 अलग अलग विभाग के हैं और वही यहाँ के भी इंचार्ज हैं, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर की कमी है और कमी की वजह से कोई स्पेशल डॉक्टर के जो है पेडियाट्रिक जो डॉक्टर होते हैं उनकी तैनाती यहाँ पे नहीं है। तो ये है नालंदा के सदर अस्पताल की स्थिति। राजकुमार मिश्रा और सन्नी के साथ अमिताभ ओझा, नालंदा News24।